तो जगह का नाम है पानी टंकी, और पानी टंकी ये जो मेरे राइट साइड में पानी टंकी है, और इस तरफ जो है बॉर्डर का चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के उस पर जाती जो है जो जगह आएगा उस जगह का नाम होगा काकरभीता, और वो नेपाल है और ये इंडिया है। दूसरे देश में जो है पहली बार जो है दूसरे देश में जा रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। विश मी लक। भाई ये गाड़ी सारे नेपाल जा रहा है क्या? उस तरफ कितना लेते हैं? 20 रुपये। टोटो बोलते हैं इसको। सो यहाँ से जो है पानी टंकी से काकरभीता तक जो है टोटो ले लिया हूँ। ये भाई साहब मुझे जो है बुला के बोल रहे हैं आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक्चुअली मुझे प्रोसीजर पता नहीं था, तो आगे जो है चेक पोस्ट है वहाँ पर जाने से, वहाँ जाऊँगा तो पता चलेगा। आप कहाँ जाएंगे? आपका नेपाल? अच्छा, घर आपका नेपाल है? नहीं, इधर ही है। इधर ही है आप? हाँ। अच्छा, नेपाल घूमने जा रहे हैं? हाँ, घूमने जा रहा है। अच्छा, मैं सो नेपाल के अंदर जो है एंट्री कर रहा हूँ, और ये जो ब्रिज आपको जिस ब्रिज के ऊपर से अभी जा रहे हैं ना, इस ब्रिज का नाम मेची, और ये इंडिया नेपाल का फ्रेंडशिप ब्रिज है। सो ये जो गाड़ी देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, ये सारे जो है इंडिया के अंदर एंट्री करने वाले हैं, वेट कर रहे हैं चेकिंग के लिए, इमिग्रेशन के लिए। सो इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है ना, अभी पहले जैसे नहीं रहा, अभी जो है अच्छा खासा चेकिंग होता है भाई, और 3-4 जगह पे चेकिंग किया गया है मुझे, और कोविड सर्टिफिकेट के लिए भी बोले। पता नहीं ये हर किसी को बोलते कि नहीं पता नहीं, पर बाहर से जब आते हैं देखते हैं, तो कोई लोग जब बाहर से आता है ना, तो उनको देख के शायद लोग कोविड सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ के लोकल लोग, जो लोग जा रहे हैं यहाँ के जान पहचान वाले जो लोग हैं, उनको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। कोई मुश्किल नहीं भाई, पैसा जरूरी नहीं होता है, 10 रुपए लेता है, ज्यादा नहीं लेता है। आइए इधर लीजिए, क्योंकि इधर कुछ कुछ आदमी तो अच्छा है मगर कुछ आदमी बुरा है भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, सही ना भैया? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मनी एक्सचेंज कहाँ पे होता है, जो गवर्नमेंट मनी एक्सचेंज होता है ना, जहाँ आपको इंडियन मनी चेंज करके नेपाली मनी चाहिए ना, नाम देखा देगा सरकारी काउंटर लेके जाएगा। अच्छा, जो सरकारी काउंटर होता है ना मनी एक्सचेंज कराने के लिए, लाइसेंस वाला, उधर ही करा देगा। मनी एक्सचेंज होगा नेपाली चाहिए, इंडियन से नेपाली करना? नेपाली नहीं है, बड़ा दिक्कत हो गया। मैं 2-3 काउंटर में जा चुका हूँ, और हर कोई बोल रहे जो है यहाँ पे नेपाली करेंसी है नहीं, पर ये नेपाल है, नेपाल है ना नेपाली करेंसी क्यों नहीं है? आईसी अभी ज्यादा आता है ना, नेपाल का नहीं आता है। नहीं आता है, कब आता है, कैसा है? कब आता है उन्हें, कस्टमर आएगा तो आप जैसे नेपाली लेके। हाँ हाँ, अभी समझा, जो उधर से आएगा काठमांडू की तरफ से, काठमांडू से इधर नेपाल से। कितने बजे होता है वो? तो आ रहेगा, लेकिन आप कितना टाइम में आएगा? तो इंडियन मनी यहाँ पे चल जाता है ना? हाँ, ये बॉर्डर है ना, चलेगा। कहाँ जाना है? और कहाँ पे मिलेगा? काठमांडू में मिल जाएगा? उधर तो नहीं चलता इंडियन मनी? उधर में नहीं चलेगा, काठमांडू पोखरा में चलेगा। अच्छा, नेपाली आएगा तो चेंज कर देगा। पिछले आधे घंटे से जो है काकरभीता मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ, और मनी एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे जो है नेपाली करेंसी है नहीं, इंडियन करेंसी चलता है यहाँ पे ज़्यादातर। अभी चलूँगा कहीं पे, एक सिम ले लेता हूँ पहले। नेपाल में कौन सा सिम सबसे ज़्यादा चलता है? एनसेल। अच्छा, कितने का आता है? 100 रुपया। और उसमें डाटा क्या क्या आता है थोड़ा बता देंगे? उसमें कुछ भी नहीं होगा, ओनली सिम होगा। अच्छा, एक्टिव करने में कितना टाइम लगता है? लगेगा 5 मिनट में हो जाता है। चलो, ये तो अच्छा हुआ, मुझे लगता था कि ऐसा तो नहीं है कहीं 24 घंटा या फिर 48 घंटा लग जाता है, पर यहाँ पे तो इंडियन टावर पूरी तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे इंडियन टावर आ जाता है जियो और एयरटेल, मतलब यहाँ पे है या फिर उधर के आता है? यहाँ पर नहीं है, वहीं पर नज़दीक है। वो अच्छा, हाँ नज़दीक है तो कैच कर लेता है, बस एक ब्रिज का डिफरेंस है। 4.5 GB मिलेगा आपको। 4.5 GB 130 रुपीज़ में। कितने दिन के लिए? 1 वीक का वैलिडिटी रहेगा। 1 वीक का? अच्छा, अगर 2 वीक का लेना है तो? 2 वीक का नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अच्छा, 1 वीक का, पर वीक के हिसाब से रिचार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सिर्फ डाटा है या फिर ओनली डाटा? टॉक टाइम के लिए? टॉक टाइम के लिए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अच्छा, टॉक टाइम और डाटा मिलके एक साथ नहीं आता है? एक क्या? साथ नहीं होगा, छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला पैक है। अच्छा, कितने का है? 800 रुपया। 800 नेपाली। कितने दिन के लिए? 1 मंथ के लिए। बहुत महंगा है लेकिन यहाँ पे। अच्छा, ये इंडियन करेंसी में या फिर नेपाली करेंसी में? नेपाली करेंसी में 800 है, तो इंडियन करेंसी में कितना होता है?
500 पहले एक हफ्ते के लिए ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कितना दिन तक मैं रुक पाता हूँ नेपाल के अंदर। वैसे तो टारगेट है 1 महीना रुकने का, 1 महीने के आसपास, पर पहले ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ चीज़ें कैसे काम करता है यहाँ, फिर देखेंगे। ठीक है भैया, सबसे ज़्यादा चलता है यही सिम चलता है ना भैया यहाँ पे नेपाल में? सबसे ज़्यादा 99% यही पे एज पे यही सिम चलता है, और सिम का नाम एनसेल। नेपाली में 100 है और इंडियन रुपीज में 62.5 है। तो पहली बार जो है ये नेपाली पैसे मैं देख रहा हूँ, इससे पहले मैं नेपाली मनी देखा नहीं था। नेपाली 800 होता है ना? अच्छा अच्छा, ये कितने का, कितने रुपीस है? नेपाली 800 में 230, ये 500 रुपीस है। 500 नेपाली का, 500 और 50, ये 50 रुपीस है। नीला वाला 50 हो गया। अच्छा, और वो पीला वाला हो गया आपका 20 रुपीस, मिला के आपको 500 दिया। यहाँ पे पैसे लेके आओगे तो ऐसा लगता है कि शायद अमीर हो गया मैं। रिया मोबाइल स्टोर है, रिया मोबाइल काकर बीटा, अब बंगाल बॉर्डर का नजदीक में पड़ता है, गवर्नमेंट सामने में मनी एक्सचेंज है, और सामने में बस पार्क है। ये काकर बीटा का मेन मार्केट ही है भैया। जो सही रेट लगा है पूरा एग्जैक्टली मुझे सच बताओ तो मुझे रेट का भी नहीं पता था, तो भैया जो है सब कुछ सही करके दिया मुझे। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, नाइस मीटिंग यू, वेलकम, फिर मिलेंगे, फिर आऊंगा आप वापस। ठीक है, आइए, लौटते समय आइएगा जी। थैंक यू। 7840 मुझे वैसे तो 1.6 चल रहा है, पर 20 रुपया 1000 में 20 रुपया ले रहे हैं ना चार्जेस, 1000 में जो है 20 रुपया लेते हैं एक्सचेंज चार्जेस। ओके, थैंक यू। इंडियन लोग का जो इंडिया में जो करेंसी है वो बहुत क्वालिटी जो है बहुत हाई है, और ये नोट टच करते ही पता चल रहा है इसका जो है करेंसी का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। ये कभी भी फट सकता है, जेब में भी फट जाएगा, पता नहीं, मतलब कागज़ जैसा ही है कह सकते हो। फिर आपको बाय लैंड अगर नेपाल के अंदर आपको एंट्री, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो बागडोगरा है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी बागडोगरा ही है। थोड़ा से पानी टंकी कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ से जो है इजीली बस मिल जाता है, बसेस या टैक्सी जो है 20 रुपये का फेयर में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाया वो जगह जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, यहाँ का नेपाल गवर्नमेंट का सर्टिफाइड है, तो वहाँ पर अगर जाओगे तो बहुत ही कम एक्सचेंज रेट में आपको जो है मनी एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर। और अभी जो है कुछ 2 घंटे के आसपास मुझे सुबह को वेट करना पड़ा था मनी एक्सचेंज करने के लिए, कि यहाँ पे थोड़ा मनी का शॉर्टेज चल रहा है, ज़्यादातर जो है इंडियन मनी भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। मेरे दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।